ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार पर निवेशकों की नजरे बनी हुई थी जैसे ही बाजार ने कारोबार की शुरुआत की निवेशकों के चेहरे खिल उठे आज बाजार ने तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की है तो आज कैसा रहा बाजार का शुरुआती हाल इस रिपोर्ट में देखिए आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स एक सौ इक्यावन अंक यानी शून्य दशमलव चार एक फीसदी ऊपर छत्तीस हजार छह सौ तेईस खुला वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी शून्य दशमलव दो छह फीसदी यानी सत्ताईस अंकों की बढ़त के साथ दस हजार सात सौ सड़सठ खुला वहीं पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ था सेंसेक्स 420 अंकों पर छत्तीस के स्तर पर बंद हुआ था वहीं निफ्टी 122 अंकों की बढ़त के साथ 10,740 के स्तर पर बंद हुआ था दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज बीपीसीएल ब्रिटानिया टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील एच सी एल टेक एच डी एफ सी इन्फ्राटेल ONGC, टाटा मोटर्स और गेल की शुरुआत बढ़त पर हुई वही जी लिमिटेड डॉक्टर रेड्डी कोटक बैंक विप्रो टाइटन सिप्ला बजाज ऑटो नेस्ले इंडिया इन्फोसिस और मारुति के शेयर गिरावट पर खुले सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज मीडिया के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स हरे निशान पर खुले इनमें फार्मा आईटी, प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक रियल टी एफ मेटल बैंक और ऑटो शामिल हैं दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालें तो गुरुवार को अमेरिका का बाजार डाउ जोन्स एक अंक नीचे छब्बीस पर बंद हुआ था वही 76 अंक नीचे दस के स्तर पर बंद हुआ था एस एन अंक नीचे तीन पर बंद हुआ था चीन का शंघाई कम्पोजिट बीस अंकों पर तीन पर बंद हुआ था खैर अब देखना होगा कि शाम तक बाजार में यह तेजी बरकरार रह पाती है या नहीं डीबी लाइव की रिपोर्ट